राम अनंत हैं, वो एक नित्य विद्यमान सत्ता है कि किसी भी काल में और विशेषकर युद्ध में भी, मां मनुस्मर युद्ध च, हर काल में भारत में वो राम है। मैं किसका अंशी हूं, मैं किसके वंश से हूं, जीवन में कोई बाधा आए तो बाधा टिक ना पाए और सबके ऊपर है परम पिता, या कि वो स्वयं राम स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सह संभाव्य है। राम अनंत है, सनातन है, शाश्वत है और वो एक नित्य विद्यमान सत्ता है। वाल्मीकि रामायण के माध्यम से उन्हें धर्म का विग्रह कहा गया, रामो विग्रहवान धर्म। वे भारत की प्रभात का प्रथम स्वर है, जयराम जी कहकर भारत उनका स्मरण करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च, कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता के माध्यम से। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि किसी भी काल में और विशेषकर युद्ध में भी, माम स्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा स्मरण हो। लेकिन जिसका निरंतर स्मरण है हर काल में भारत में, वो राम है। राम का स्मरण वह सुखदाता है, वह मोक्षदाता है, एक आश्वासन है। और उनसे, उनके स्मरण से ही संपूर्ण भ्रम, भय, संशय, अज्ञान, दुविधाएं, नाना प्रकार के क्लेश, भ्रांतियां, उनका शमन होता है, निवारण होता है। मैं राम वंश हूं ऐसा स्मरण करते ही कि मैं किसका अंशी हूं, मैं किसका मैं किसके वंश से हूं, भगवान यही तो कहते हैं कि ये याद रखना कि आप मुझसे हैं। ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भूल मत जाना कि आप किससे हो, आपकी परंपरा क्या है, आपका स्रोत क्या है, आप कौन हैं, किसके हैं, बस इसका स्मरण रखना। ममय वंशो जीवलो के जीव भूत सनातन, आप मेरे सनातन अंश हैं, मैं आपका अंशी हूं, मैं आप मुझसे हैं। अगर हम कभी अपना वंश वृक्ष बनाकर देखें, फैमिली ट्री, तो उसमें वो ऊपर दिखाई देंगे और हम अंत में, ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। वेद कहता है कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पुरुषार्थी बने रहें, जीवन में कोई बाधा आए तो बाधा टिक ना पाए, इसके लिए अपने पूर्वजों का स्मरण करते रहें। ये याद रहे हमें कि हम किसके वंशी हैं, हम किसके अंश से हैं। हम अपने उसको न भूल जाएं, मूल को, ऊर्ध्व मूल अध शाखा अश्वतम प्राहुरवयम, उन शाखाओं को भूल न जाए। हम वो शाखा प्रशाखा है, उसी से हैं, ऊर्ध्व मूल वो हमारा है। तो कभी आप अपना वंश वृक्ष बनाकर देखें तो आप अपने पिता को ऊपर देखेंगे, फिर उनके पिता और उनके पिता, और सबके ऊपर है परम पिता, या कि वो स्वयं आद्य पुरुष, जो आद्य है, जो सनातन है, जो नित्य है, शाश्वत है। उस राम की चर्चा चल रही है जो परात्पर ब्रह्म है, जो नाना रूपों में है, उसके रूप अनेक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, उसके अनेक रूप है पर वो एक ही है अनेक रूपों में। और वो कहता है कि मुझे भूलना मत, मेरा स्मरण करते रहना, तो आप में कभी कोई भ्रम नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, फिर आप किसी भी दुविधा में एक दैन्य, अल्पता अथवा दौर्बल्यता अनुभव नहीं करोगे। इसे याद रखना कि मैं किसका वंश हूं, मैं किस वंश से हूं। हम उसी से तो हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो एक ही तत्व, एक ही जो सब में समाया हुआ है, इसका ही तो स्मरण रखना है कि हम किससे हैं। और जब इसका स्मरण आता है, ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि मैं उससे हूं, तो फिर प्रेरणा मिलती है पुरुषार्थ की। फिर व्यक्ति आलसी नहीं रहता, निरुद्योगी नहीं रहता, उसमें सत्कर्मों की संलग्नता रहती है, शुभ कर्मों की प्रीति रहती है,
और वह अजेय बनता है, वह फिर कभी हारता नहीं है। राम का स्मरण आपको अजेय बनाता है। कोई भारत का भी पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है या भारत का इतिहास कोई है तो उसको रामायण ही माना गया है और महाभारत। वाल्मीकि की जो रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण भारत का इतिहास है। हमने इतिहास में ये सब, ये इतिहास नहीं कि कहाँ कौन हारा जीता, कहाँ से फिरंगी आए, विधर्मी आए, आक्रांत आए, हाँ वो भी एक इतिहास हो सकता है, वो एक इतिहास का वो भी एक हिस्सा है, पर भारत के मनीषा ने, भारत के मनीषा के साथ साथ भारत के विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, संत सत्पुरुषों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने इतिहास रामायण को कहा है और महाभारत को। इतिहास में दो ही तो ग्रंथ है हमारे पास, रामायण और महाभारत, और उस इतिहास के लिए वो सनातन बीज काव्यम, सनातन बीज है वो काव्य का। कोई मुझसे पूछे कि काव्य की रचना कहां से हुई, कविता कहां से आई, गीत कहां से आया, तो वो आया है निसंदेह सामवेदिक गीत है, निसंदेह चारों वेदों में सामवेदिक गीत है, लेकिन वो जो गीत कहीं से मुखरित हुआ है, गीत को कोई जीवंतता देता है, गीत में कहीं सजीवता है, गीत कहीं मुखर होता है, गीत में कहीं प्रखरता आती है, तो वो गीत आता है उस इतिहास से जिसे रामायण कहते हैं और वाल्मीकि ने उसे लिखा है। उसको सबसे पहले गाया लवकुश ने, लिखा तो वाल्मीकि ने, लवकुश ने। और आप आनंदित होंगे सुनकर कि लवकुश गा रहे हैं और हनुमान ढूंढने लगे कि राम कहां गए। लवकुश गा रहे हैं रामायण, राम का चरित्र, राम का उद्दात्त चरित्र, वह काले नरसिंह मनोभि रामम, कि वो नरसिंह है, वह नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, वह मर्यादाय शील संयम सदाचार है, वह आदार्य है, सारे व्रत नियम उपवास उसी से सिद्ध होते हैं और समूची संस्कृति अपरिभाषित रहती है अगर राम का उल्लेख न हो, जिप यहां पर राम ना आए तो। वो किस ढंग से गा रहे हैं लवकुश। तो हनुमान जी का तो ध्यान गया कि राम कहां चले गए, और देखा कि राम श्रोताओं के बीच में अपनी कथा सुन रहे हैं अपने पुत्रों से। ये राम का ऐसा चरित्र है, ये रामचरित्र ऐसा, हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। कुछ पल के लिए चकित हैं भरत रिपुदमन, और बहुत अधिक विस्मित हैं माताएं तीनों कि राम कहां चले गए। हम कथा तो सब सुन रहे थे, राम श्रोताओं के बीच में बैठकर। वाल्मीकि कहते हैं कि कथा तो श्रोताओं के बीच में सुनी जाती है, अपनी ही कथा में राम ऐसे खो गए। उन जैसा कोई चरित्र है, उन जैसा कोई स्वामी सेवक, उन जैसा कोई पुत्र शिष्य, उन जैसा कोई श्रोता, उन जैसा कोई साधक और सिद्ध, उन जैसा कोई श्रोता होगा। 15 वर्ष की आयु में जिस ढंग से वो योग वशिष्ठ, यो वशिष्ठ से संवाद करते हैं, उन जैसा वैराग्यवान जो योग वशिष्ठ है, वो राम और ब्रह्म के, ब्रह्म और गुरु के, एक और गुरु है वशिष्ठ गुरु और राम ब्रह्म है। अब कल्पना तो करके देखो कि राम के और गुरु के संवाद हैं योग वशिष्ठ, और उसमें कोई और चर्चा नहीं, वो राम की है एक प्रकार से। बड़ा अद्भुत नाम है ये। आदरणीय राम बहादुर राय जी ने गौलोकवासी अथवा साकेतवासी पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी का उल्लेख किया, एक अद्भुत व्यास वो, और वो चौपाई थे, राम भजन बिनु सुनऊ खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। राम भजन बिनु सुनऊ खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। जितने क्लेश हैं जीवन के, वो क्लेश वो अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यही तो क्लेश है। पतंजलि कहते हैं अविद्या से बड़ा और क्या क्लेश होगा, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से बड़ा और क्या क्लेश होगा, अविद्या सबसे बड़ा क्लेश है। तो कहते हैं इन राम भजन बिनु,
राम के बिना ये क्लेश मिटते नहीं है, भ्रांतियां मिटती नहीं है। राम का स्मरण स्फूर्ति देता है, वो तारक मंत्र है। पार्वती ने पूछा महादेव से कि काशी में वास करके करते क्या हो, काशी में करते क्या हैं आप? वो कहता है कि आप काशी कभी नहीं त्यागते। तो उन्होंने कहा कि हाँ काशी में भी मेरा वास रहता है, पर यहाँ करते क्या हो? तो धीरे से उन्होंने कहा मैं यहाँ बीज मंत्र देता हूँ, राम मंत्र देता हूँ। ये मान्यता है हम भारतीयों की, काशी में बैठकर राम महादेव मरने वाले कान में बीज मंत्र डालते हैं, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामा भिरामम धेयम धेयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम, ऐसा शास्त्रों में आता है। महादेव कहते हैं कि मैं मरने वाले के कान में तारक मंत्र देता हूं। पूछा पार्वती ने तारक मंत्र कौन सा है, किससे तारण होता है? बोले राम मंत्र ही तारक मंत्र है, तो मैं उसके कान में राम गुनगुना देता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति जिसके लिए क्या लिखते हैं वाल्मीकि, तुलसी बाबा, घर घर में चौपाई गाई गई है, आज भी गाई जा रही है। उसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि राम जैसा कोई आदर्श नहीं, उन जैसा कोई प्रजापालक नहीं। एक राम ही तो ऐसा है कि जब शत्रु भी उसका स्मरण करे तो वो सहज हो जाए, शांत हो जाए, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, आह्लादित हो, और इसे एक मुक्ति का आश्वासन मिले। ये सारे शत्रु कोई नहीं था, सुपर्णखा उन पर विमोहित सम्मोहित हुई, खरदूषण कहते हैं ये वध के योग्य नहीं, और कुंभकर्ण तो कहता है ये कि जगदम्बा का हरण कर अपने समूची नैसाचरी जाति के नाश का बीज बोया है, लेकिन मुझे लगता है राम कभी नाश नहीं कर सकता, ये नैसाचरी जाति का उद्धार ही राम करने आए हैं। तो उसने कहा तो मैं कब का कर लेता, जब जब सीता के पास जाता हूं उनके नेत्रों मुझे राम दिखाई देते हैं, और वो राम उद्धारक हैं, तारक हैं। ये है राम, कि राम के लिए रावण भी कहता है होय भजन नहीं तामस देहा, तामस तन साधन कचुनाई। ये है राम, जो किसी के शत्रु नहीं है, वो है उनकी गाथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नमोस्तु नंदा, ये सहस्त्र मूर्त है, वो अनंत है, अच्युत है, उसकी बात क्या कही जाए। लेकिन हाँ, जब उसका स्मरण होता है तो बात ही कुछ और है, रोम रोम खिल जाता है। और हमें रमण करने वाली कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, वो राम ही तो है जो हमारे प्राणों में रमण करता है, हमारी चित्त चेतना में, हमारे अस्तित्व में कोई और थोड़ी बसता है, वो राम ही है। कि जब कभी आप व्यथित हों, चिंतित हों, आहत हों, दुखित हों, दुर्बल अनुभव करो, कभी भ्रम आए, भय आए, अल्पता अनुभव हो, असहज अनुभव कर रहे हों, तब आप वीतराग विषम वा चित्तम, वीतराग महापुरुषों का स्मरण कीजिए जिनमें कोई राग ही नहीं रहा है, और ऐसे हैं वो भगवान राम। इसलिए कभी कठिनाई अनुभव हो तो उनको याद कर लेना, फिर कुछ कठिनाई नहीं रहती।